इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ में हाजिर। कैबिनेट की बात करें तो ढाई माह पहले राज्य सरकार ने 50 लाख किसानों के खाते में 7,620 करोड़ रुपए की बीमा राशि ट्रांसफर करने का दावा किया था। इसके बाद कई किसानों की तरफ से क्लेम की पात्रता होने के बाद भी बीमा न मिलने की शिकायत सामने आई थी। अब सरकार ने भी मान लिया है कि करीब 25,000 किसानों के खाते में बीमा की राशि नहीं पहुंची। भोपाल में 1200 किसान हैं। सरकार ने मध्य प्रदेश में काम कर रही 45 PSU निजी क्षेत्र ग्रामीण बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की 8,000 से अधिक बैंक शाखाओं को इन 25,000 किसानों के बैंक खाते में राशि पहुंचाने को कहा। यह राशि लगभग 5 करोड़ रुपए से है। बैंकों का कहना है किसानों की लिस्ट सरकार के मैदानी अमले ने दी थी। इसमें आधार नंबर से लिंक खातों में नंबर थे। इनमें सैकड़ों किसान तो वे थे जिनकी मौत हो चुकी है। कई किसानों के पास दो दो बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड थे। नाम पते अपडेट न करवाना, आधार लिंक न करवाना अन्य भी वजह हैं जिनकी वजह से इन किसानों के खाते में बैंक पैसा नहीं गया। जानकारों का कहना है कि फसल बीमा न पाने के लिए किसानों की संख्या इससे कहीं अधिक है। आने वाले दिनों फसल बीमा से वंचित और किसानों की लिस्ट सामने आ सकती है। तो यह था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।